हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ है, नई नई रेसिपीज ट्राई करने का शौक़ है और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है एक अच्छी सी कन्वेक्शन माइक्रोवेव की, तो दोस्तों आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया में मिलने वाले 5 बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव के बारे में, जिसको कि आप अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको माइक्रोवेव खाली खाने को गर्म करने के लिए चाहिए, खाना केवल रीहीट करना है, तो आप एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव मत खरीदिए और अपने पैसे बचाइए और आप एक नॉर्मल सोलो माइक्रोवेव खरीद सकते हैं, जो कि एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव से लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये सस्ता आएगा। तो दोस्तों, अपने 4-5 हज़ार रुपये बचाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पर जाके आप एक सोलो माइक्रोवेव को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग ये सब करनी है, तो आप एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव को खरीदिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव के मॉडल्स को बताने से पहले, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की किचन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे है मॉर्फी रिचर्ड्स का कन्वेक्शन माइक्रोवेव। इसके अंदर आपको 30 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप कन्फ्यूज है कि कितनी कैपेसिटी का आपको एक माइक्रोवेव ओवन खरीदना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक पुरानी वीडियो की लिंक दे दूंगा, जहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कन्वेक्शन माइक्रोवेव खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको इनमें से कंसिडर करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके जो पावर कंजप्शन है वो है 1450 वॉट, यानी कि ये मैक्सिमम 1450 वॉट कंज्यूम करेगा, लेकिन अलग अलग मोड्स पे ये 1450 वॉट से कम भी कंज्यूम कर सकता है। इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील की कैविटी मिल जाती है और इसमें आपको मिलते हैं 200 ऑटो कुक मेन्यू, यानी कि इसमें आपको 200 रेसिपीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप बस एक बार बटन दबा के कुक कर पाएंगे। इसमें आपको डिफ्रॉस्ट फंक्शन मिल जाता है, तो कोई भी फ्रोजन आइटम को इसमें आप डिफ्रॉस्ट कर पाएंगे। इसमें आपको मोटराइज रोटेसरी का फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसमें आपको मिलती है ओवरहीट प्रोटेक्शन। इसमें आपको एक टच पैनल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, इसके ऊपर आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 11,000 रुपये के आसपास। और ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है, ये वीडियो बनाते समय की प्राइस है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा हो गई हो, या फिर इन पर कोई सेल या ऑफर चल गया हो। तो इसीलिए जितनी भी माइक्रोवेव ओवन आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं, इन पे कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं, और कस्टमर ने इन पे क्या रेटिंग्स दिए हैं, क्या फीडबैक्स दिए हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। दूसरा नंबर 4 पे है पैनासोनिक का माइक्रोवेव ओवन। ये भी एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। इसमें आपको 27 लीटर की कैपेसिटी मिलती है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 2400 वॉट। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की कैविटी मिलती है, 101 ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं, और इसमें आपको वेपर क्लीन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। जैसे कि दोस्तों, क्या होता है कि आप लंबे समय तक किसी भी माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, तो वेपर क्लीन को यूज़ करके आप उस स्मेल को हटा सकते हैं। इसमें आपको रीहीट का और डिफ्रॉस्ट का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 360 डिग्री हीट ट्रैप टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि आपके खाने को चारों तरफ से इवनली कुक करता है। इसमें आपको टच कंट्रोल पैनल मिलता है, और इसमें आपको मिलती है 1 साल की कॉम्प्रेहेंसिव यानी कि कंप्लीट वारंटी और 5 साल की वारंटी इसके मैग्नेट्रॉन पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों मैग्नेट्रॉन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि माइक्रोवेव ओवन को माइक्रोवेव ओवन बनाता है। अगर मैग्नेट्रॉन ही उसमें नहीं होगा तो ये एक नॉर्मल OTG ओवन ही रह जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 पे है सैमसंग का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। इसमें आपको 28 लीटर की कैपेसिटी मिलती है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 2900 वॉट। ये दोस्तों पीक पावर कंजप्शन है, यानी कि मैक्सिमम। इसमें आपको सेरामिक कैविटी मिलती है, डिओड्राइजर मिलता है, जो कि दोस्तों इसमें स्मेल वगैरह नहीं बनने देगा, और इसमें आपको डिफ्रॉस्ट फंक्शन मिलता है, इको मोड मिलता है। इको मोड पे आप इसको यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी कम पावर कंज्यूम करेगा, और इसमें आपको स्लिम फ्राई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसमें दोस्तों आप इसको एक नॉर्मल एयर फ्रायर की तरह यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि आप इसमें बिना ऑयल के और ना के बराबर ऑयल यूज़ किए फ्राइड फूड को बना पाएंगे। इसमें आपको तंदूर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, तो तंदूर में बनने वाले आइटम्स भी आप इसमें काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। और इसमें आपको मिलती है टच कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर आपको मिलती है 1 साल की कंप्लीट कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी और 10 साल की लंबी वारंटी इसके मैग्नेट्रॉन पे। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 12,000 रुपये के आसपास। दोस्तों, नंबर 2 पे है IFB का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। इसमें आपको 30 लीटर की कैपेसिटी मिलती है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 2200 वॉट। स्टेनलेस स्टील की कैविटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको मिलते हैं 101 ऑटो कुक मेन्यू।
इसमें आपको कीप वार्म का फंक्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी खाना कुक करेंगे इसमें तो उसको आप चाहें तो लंबे समय तक गर्म रख सकते हैं। इसमें आपको डिफ्रॉस्ट और स्टीम क्लीन का फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों लास्ट माइक्रोवेव ओवन में आपको वेपर क्लीन देखने को मिला था, ऐसे ही स्टीम क्लीन भी काम करता है, जो कि इसमें स्मेल वगैरह को नहीं बनने देता। इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन मिलती है, टच कंट्रोल पैनल मिलता है, और इस पर आपको मिलती है 1 साल की कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव वारंटी, 3 साल की लंबी वारंटी इसके मैग्नेट्रॉन पे। अब अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 15,000 रुपये के आसपास। दोस्तों नंबर एक पे है LG का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। इसके अंदर आपको मिलती है 28 लीटर की कैपेसिटी, मैक्सिमम इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 1950 वॉट, और दोस्तों इसके अंदर आपको एक सबसे बड़ी टर्न टेबल देखने को मिलती है जो कि है 320 mm की। दोस्तों टर्न टेबल वो होती है जो कि आपने माइक्रोवेव के अंदर देखी होगी, जो कि गोल गोल घूमती है, जिसके ऊपर आप रख के खाने को कुक करते हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी टर्न टेबल होगी उतना ही बड़ा फूड आइटम आप इस पर कुक कर पाएंगे। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की कैविटी मिलती है, 251 ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं, और दोस्तों इसमें आपको कंसील्ड क्वार्ट्ज हीटर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहता है और आपका जो खाना है उसको भी अच्छे से कुक करता है। इसमें आपको कीप वार्म फंक्शन देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको फर्मेंटेशन फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इसमें दही वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा, और अगर आप घी वगैरह भी इसमें बनाना चाहें तो वो भी बना पाएंगे। इसमें आपको टच कंट्रोल पैनल मिलता है, और इसमें आपको मिलती है 1 साल की कंप्लीट वारंटी और 4 साल की वारंटी इसके मैग्नेट्रॉन पे। अब अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 13,000 रुपये के आसपास। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की किचन रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में जितने भी माइक्रोवेव ओवन मैंने आपको दिखाए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन सभी माइक्रोवेव ओवन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहां पर जाके आप इनकी बाकी जानकारी ले सकते हैं और इनके जो करंट प्राइसेज हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।